जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग जीवन मंत्रा चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों जीवन मंत्रा में जो नुस्खे हम आपको बताते हैं वो वैद्यों और एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में आप बताएं। दोस्तों आज हम आपको सेब का प्रयोग बताने जा रहे हैं कि सेब आपकी त्वचा को कैसे चमका सकता है। सेब में मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी और कॉपर न सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, बल्कि आपकी त्वचा के लिए भी ये तत्व बहुत फायदेमंद हैं। इसमें पाई जाने वाले विटामिन सी की मात्रा त्वचा के लचीलेपन को बरकरार रखते हुए झुर्रियों आदि से चेहरे की रक्षा करती है। इसमें मौजूद कॉपर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाले तत्व मेलानिन का उत्पादन करता है। विटामिन ए त्वचा में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को सुधारने तथा नई कोशिकाओं के विकास में अहम भूमिका निभाता है। इस तरह से सेब आपकी त्वचा के लिए एक बेहतरीन फेस पैक के तौर पर काम करता है। सेब की मदद से आप अपने घर पर ही फेस पैक बना सकते हैं। आपको प्रयोग कैसे करना है? अगर आप ऑयली स्किन से परेशान हैं, तो आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल एक बार जरूर करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक सेब को कद्दूकस से ठीक तरह से कस लीजिए। अब उस बुरादे में से एक चम्मच लेकर उसमें एक चम्मच दही और एक चम्मच नींबू का जूस मिलाइए। सबको ठीक तरह से मिला लीजिए और इसे चेहरे पर लगाइए। 15 मिनट बाद इसे ठंडे पानी से धो लीजिए। अगर आपकी त्वचा रूखी है और आप इसके सारे उपाय आजमा कर थक चुके हैं, तो अब आप ये नुस्खा आजमा कर देखिए। इसके लिए एक चम्मच कद्दूकस किए हुए सेब में कुछ बूंदें ग्लिसरीन की मिलाइए। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाइए। इसे चेहरे पर लगाकर 20 मिनट तक इंतजार कीजिए। अब गर्म पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। चेहरे पर निखार लाने वाला यह फेस पैक किसी भी टाइप के चेहरे के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए आपको 2 चम्मच घिसा हुआ सेब और 1 चम्मच ताजे अनार के जूस की जरूरत पड़ेगी। दोनों का मिश्रण बनाकर उसमें 1 चम्मच दही मिलाइए। इस फेस पैक को चेहरे पर 20 मिनट तक लगाए रखिए। बाद में गर्म पानी से चेहरा धो लीजिए। यह आपके चेहरे पर तुरंत निखार लाने में सक्षम है। दोस्तों जीवन मंत्रा जीवन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप निरोग बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आप लंबा जीवन जीते हैं। दोस्तों जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।